नमस्कार दोस्तों, गौतम ऑटोमोबाइल में आपका स्वागत है। तो देख सकते हैं हमारे पास होंडा कंपनी की गराजिया है। तो इसका प्रॉब्लम क्या है दोस्तों, आज का टॉपिक होने वाला है इसका लॉक पे। क्या है दोस्तों कि इसका लॉक का जो चाबी होता है, की होता है, वो चाबी कहीं खो गया है। तो अब इसे हमें नया इंस्टॉल करना है, क्योंकि पुराना वाला जो डबल चाबी जो मिलता है वो भी कस्टमर के पास नहीं है। तो इसका लॉक कैसे हम इंस्टॉल करेंगे दोस्तों, चलिए हम इस वीडियो में आपको बताते हैं। तो और लॉक कितने का आपको पड़ने वाला है वो भी हम आपको बताते हैं। चलिए लॉक को दिखाते हैं कि किस टाइप का आपका लॉक आने वाला है। तो देख सकते हैं आप, ये हमारे पास लॉक है दोस्तों ग्राजिया का। देख सकते हैं इस पर पेन से भी लिखा हुआ है और पार्ट्स नंबर इसका देख सकते हैं, और MRP आपका इसका देख सकते हैं यहाँ पर थोड़ा सा फटा हुआ है। कितना पड़ने वाला है, 1146 रुपये का। तो पार्ट्स नंबर आप इसका देख सकते हैं। तो इसका पैकेट थोड़ा फटा हुआ था, तो चलिए इसे ओपन करते हैं और दिखाते हैं। ठीक है, तो देख सकते हैं ये ओपन था। तो इसके साथ क्या क्या आने वाला है, इस टाइप का ये लॉक है आपका, जेन्युइन होंडा कंपनी का है। देख सकते हैं इसका चाबी भी, इसके साथ दो आपका चाबी आने वाला है। तो चलिए इसे कैसे इंस्टॉल करते हैं दोस्तों, आपको दिखाते हैं। ले चलते हैं आपको स्कूटी के पास। पहले हम इसके पैनल को ओपन कर सकते हैं। देख सकते हैं एक स्क्रू यहाँ पर है और एक स्क्रू यहाँ पर है, और ये देख सकते हैं दोस्तों काफ़ी डैमेज स्थिति में है एक स्क्रू यहाँ। तो इसे भी हम ओपन करते हैं और ओपन करने के बाद आपको दिखाते हैं। ओपन करें, देख सकते हैं ओपन हो चुका है लॉक हमारा। यहाँ कहाँ पे होता है दोस्तों, देख सकते हैं यहाँ पे हमारा लॉक है। तो इस लॉक को ओपन करना है हमें। तो कैसे इसको लॉक को ओपन करने के लिए क्या क्या हमें ओपन करना पड़ेगा, ये तो मैंने ओपन कर लिया है। और उसके बाद इस लॉक का जो दो होता है स्क्रू दोस्तों, वो उस साइड है, और एक वायर गया हुआ है जो हमारा ये सीट का है। देखते हैं, तो देख सकते हैं इसका लॉक का जो दो स्क्रू होता है दोस्तों, इस साइड से है। तो इस साइड का हमें पूरा का पूरा ये जो पैनल देख रहे हैं यहाँ से, ये सारा हमको हटाना पड़ेगा। तो देख सकते हैं इस लॉक को हमें लगाने के लिए दोस्तों क्या क्या ओपन करना पड़ा। इसका मैंने पूरा स्क्रू ओपन कर दिया, एक यहाँ था, एक यहाँ था, यहाँ और एक यहाँ 10 नंबर का बोल्ट था दोस्तों। वीडियो लंबा ना हो इसलिए मैंने आपको ओपन करते हुए नहीं दिखाया। तो इस तरह से हमने ओपन कर दिया, इसको पीछे करो, खींचो, इसको ओपन किया, और आप देख सकते हैं कि कहाँ पर हमारा लॉक का बोल्ट दिया हुआ है। दोनों देख सकते हैं स्क्रू का जो बोल्ट होता है दोस्तों, एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे है। तो क्या है दोस्तों कि इस तरह से हमें भी ओपन करने में अभी नहीं बन पाएगा, तो हमें क्या करना होगा, ये हैंडल का जो बोल्ट है दोस्तों, इसे हमें ओपन करना पड़ेगा। तो चलिए हम इसके हैंडल को ओपन करके और आपको दिखाते हैं कि कैसे आपको लॉक को लगाना है। तो चलिए इसके हैंडल को बोल्ट को हम यहाँ से ओपन करके इसे निकालेंगे बाहर, और उसके बाद हम इसके लॉक को ओपन करेंगे। तो चलिए हम ओपन करते हैं। पहले यहाँ पर देख सकते हैं कितने नंबर का बोल्ट है, यहाँ पर 14 नंबर का बोल्ट है दोस्तों। तो 14 नंबर के रिंग से हम इसे ओपन करेंगे। तो दोनों साइड से इस तरह से हमें लगा लेना है। इस साइड 17 नंबर का बोल्ट है और उस साइड 14 नंबर का बोल्ट है दोस्तों, देख सकते हैं। तो इसे हम ओपन करते हैं, ओपन करके इसके हैंडल को हटाते हैं पहले। इसके बोल्ट को हमने बाहर कर लिया दोस्तों, देख सकते हैं आप। अब चलिए इसे बाहर निकालेंगे, बाहर निकालें। इस 40 का यहाँ यूज कर ले रहे हैं, इसे मैंने पूरा ओपन कर दिया क्योंकि ये खोलने में नहीं बन रहा था। तो चलिए हमने इसे पूरा ओपन कर दिया, देख सकते हैं दो स्क्रू नट है यहाँ पे। इसे कैसे ओपन करना है, ओपन करते हैं। तो यहाँ पे हमने थोड़ा सा WD-40 का यूज किया था, उसके बाद फिर हम यहाँ से बीट लगाते हैं इस तरह से, और लगा करके देख सकते हैं ये ओपन हो चुका है। नीचे वाला देखते हैं, चलिए ये भी हमारा ओपन हो गया है। तो दोनों को हम ओपन कर लेते हैं। चलिए एक बोल्ट हमारा ओपन हो चुका है, देख सकते हैं दूसरे वाले को भी। दूसरा भी हमारा ओपन हो चुका है। चलिए अब क्या करेंगे दोस्तों, पहले इसके इग्निशन को हम यहाँ से ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद फिर इसके वायर जो है हमारा डिक्की का जो लॉक ओपन होता है, तो इसे हम ओपन करते हैं यहाँ से। 3 स्क्रू है देख सकते हैं, और इसे हम उसमें नए वाले में इंस्टॉल करेंगे।
चलिए ये कवर ओपन हो चुका है, देख सकते हैं आप यहाँ से। अब यहाँ से हमें इस लॉक को क्या है, यहाँ से हम ये करके निकालते हैं, पूरा कनेक्ट आता है दोस्तों। तो क्या होता है कि ये हमें यहाँ से, तो यहाँ से इस तरह से हमें ओपन कर लेना है। तो इस तरह से हमें पेचकस की मदद से, यहाँ पे एक लॉक होता है जो फंसता है, तो इस तरह से हमें इसे ओपन कर लेना है। देख सकते हैं पूरा लॉक हमारा ओपन हो चुका है। चलिए हम नया वाला भी इंस्टॉल करते हैं। तो देख सकते हैं इसे भी हम ओपन कर लेते हैं, इस तरह से ओपन कर लेना है। और ओपन करके यहाँ से दोस्तों देख सकते हैं इस तरह से करके हमें इसके लॉक को निकाल लेना है। चलिए पुराना वाला निकल गया हमारा, अब नया वाला इंस्टॉल कर। तो यहाँ पे ये हमारा डिक्की लॉक का है, तो देख सकते हैं इस तरह से ले करके आपको यहाँ पे ऐसे, और हमें यहाँ पे ले जा करके ऐसे इंस्टॉल कर लेना है। देख सकते हैं ये हमारा लग चुका है, यहाँ से हमारा डिक्की का काम करेगा दोस्तों जब मैं चाबी को लगाऊंगा। और ये हमारा हो गया इग्निशन का, तो इसे हमें कैसे लगा देना है, इसमें देख सकते हैं इस तरह से हमें ऐसे ले करके और ऐसे लगाना है। देख सकते हैं यहाँ पर एक लॉक होता है जो फंस जाता है। तो देख सकते हैं ये हमारा हो चुका है। अब यहाँ पे इस तरह से हमें लेकर के ऐसे, अब इसके दोनों स्क्रू को हम फुल टाइट कर देते हैं। तो देख सकते हैं एक तो स्क्रू को लेकर के यहाँ पे ऐसे आपको जैसे पुराना वाला ओपन हुआ था, इस तरह से हमें लेकर के और लगा लेना है पेचकस लॉक की मदद से हमें इस तरह से। बीच लगा करके इसे एक बार, फुल टाइट कर देंगे। चलिए ये हमारा, अब हम इसके, तो देख सकते हैं ये पूरा हमारा इंस्टॉल हो चुका है दोस्तों। देख सकते हैं सीट कवर का भी ये लॉक मैंने लगा दिया। तो चलिए हम इसे ओपन करके देख लेते हैं। चलिए मैंने ऑन कर दिया चाबी को, और देख सकते हैं हमारे मीटर में यहाँ लाइट आ चुका है। अब मैं बाइक को स्टार्ट करके दिखा देता हूँ। देख सकते हैं हमारा लॉक काम कर रहा है दोस्तों, बाइक हमारी स्टार्ट हो रही है। जो प्रॉब्लम था वो सॉल्व हो गया। तो चलिए हम इसे आप फिटिंग कर देते हैं, जैसे मैंने ओपन किया था उस तरह से आप इसे फिटिंग कर देते हैं। लॉक को चेंज करना है तो इस तरह से आप आसान तरीके से चेंज कर सकते हैं। तो चलिए हम इसे आप फिट करके आपको दिखाते हैं। तो इस तरह से लेकर के हमें इसे ऐसे लगा लेना है, बोल्ट लगा इसका। तो जिस तरह से ये ओपन हुआ था दोस्तों प्रॉपरली, अब हम इसे फिट कर लेते हैं। और जैसे मैंने ओपन किया था इसी तरह से आपको फिटिंग करना है इसका। तो पूरा फिट करके और आपको दिखाते हैं। तो देख सकते हैं ये हमारा कंप्लीट हो चुका है, पूरा फिटिंग हो चुका है दोस्तों। देख सकते हैं मीटर में आप लाइट आ रहा है। तो मैं स्टार्ट करके आपको बाइक को दिखा देता हूँ। देख सकते हैं काम कर रहा है हमारा बिल्कुल प्रॉपरली। तो वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में इसी तरह का टेक्निकल वीडियो लेकर। अभी तक के लिए थैंक यू।